बहुलक के गुण वे अवगुण। तो बहुलक के गुण क्या होते हैं कि जो बहुलक की गणना करना होता है वो सरल और सबसे लोकप्रिय विधि होती है। सेकंड, सीमांत इकाइयों का न्यूनतम प्रभाव होता है, इसमें बड़े बड़े जो टोटल आते हैं वो इतने नहीं आते, तो इसलिए क्या होता है इनका न्यूनतम प्रभाव होता है। थर्ड, बहुलक को ग्राफ द्वारा आवर्ती आयत से भी निर्धारित किया जा सकता है, यानी बहुलक को हम ग्राफ द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं, उनको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। फोर्थ, सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व मूल्य प्राप्त होते हैं, बहुलक से हमें क्या मिलता है सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व मूल्य प्राप्त होते हैं। फिफ्थ, सभी आवृत्तियों की गणना आवश्यक नहीं होती इसमें, तो बहुलक में क्या होता है कि सभी जो आवृत्तियां हैं जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसकी जो गणना करना है वो इतना आवश्यक नहीं होता। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, अवगुण क्या हैं कि जो बहुलक है वो अनिश्चित व अस्पष्ट होते हैं। कठिन कब होते हैं, जब आवृत्तियाँ समान हों तो बहुलक निश्चित नहीं किया जा सकता, यानी जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें उसमें क्या होता है तो हम जो बहुलक है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो उसमें सारी फ्रीक्वेंसी गिवन एक ही जैसी है तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे और किसको क्या फ्रीक्वेंसी बताएंगे तो और किसको हम सबसे बड़ा बताएंगे, तो इसमें हम क्या कहते हैं कठिन होता है इसका। थर्ड, समूहीकरण की जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें जो समूहकरण है उसमें जो कॉम्प्लेक्स मेथड होता है इसको बहुलक में। फोर्थ, अति सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना, जो सीमांत आवृत्तियाँ होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो इसके क्या होते हैं अवगुण हैं। गुण क्या क्या था इसके कि सरल एवं लोकप्रिय होती है, सीमांत इकाइयों की न्यूनतम प्रभाव होता है, बहुलक को हम क्या कहते हैं ग्राफ द्वारा भी दिशाएं दिखाया जा सकता है, सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व मूल्य प्राप्त होते हैं, सभी आवृत्तियों की गणना आवश्यक नहीं है। फिर बहुलक के अवगुण क्या थे, अनिश्चित अस्पष्ट होती हैं, कठिन होती हैं, समूहीकरण की जटिल प्रक्रिया होती है, अति सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना की जाती है। तो ये थे हमारे बहुलक के गुण और अवगुण।